₹50,000 के इनामी सहित एक अन्य वांछित बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगरा के थाना हरिपर्वत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। हरिपर्वत पुलिस सर्विस लाइन्स और एसओजी की टीम ने 50,000 के इनामी अभियुक्त राजू गोली के साथ एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आगरा में 28 मामलों में वांछित चल रहा था। पिछले 1.5 वर्ष से आगरा पुलिस आयुक्त की इस अभियुक्त की तलाश थी। डीसीपी सिटी विकास कुमार और एसीपी मयंक तिवारी ने जानकारी दी। टीम में इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, एसआई मोहित सिंह, एसआई राजकुमार बलियान, एसआई त्यागी व अन्य लोग शामिल रहे। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। क्या इसकी प्रोफाइल है और कितना इसका बड़ा रेट रहा है और क्या अभी तक इसमें कार्रवाई? आगरा पुलिस के थाना हरिपर्वत की टीम, सिटी जोन की सर्विलांस टीम और सिटी जोन की एसओजी टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 50,000 के इनामिया राजीव शर्मा उर्फ राजू गोली, जो कि लखनऊ का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया है। और इसके साथ एक और व्यक्ति जिसका नाम है नंदलाल उर्फ नंदू पुत्र रामलखन, ये गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो कि एक वाहन चोर है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और इन लोगों के पास से एक चोरी की गाड़ी भी बरामद हुई है। राजू गोली आगरा में पंजीकृत 28 मुकदमे, जो कि चारपहिया वाहन चोरी के मुकदमे हैं, उसका मेन मास्टरमाइंड था। और इसके पीछे आगरा पुलिस लगभग 1.5 साल से लगी हुई थी और हमने सर्विलांस से और मुखबिरों की सूचना के बल पर इस अभियुक्त को, जो कि छुपकर बिहार राज्य के बेतिया जिले में निवास कर रहा था, उसे वहीं से गिरफ्तार किया है। और इसे आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके और वहां रिमांड लेकर गाड़ियों को बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। इसका अभी तक का जो आपराधिक इतिहास है, जो ऑन रिकॉर्ड हमें अभी तक पता चल पाया है, वो 38 मुकदमे इसके विरुद्ध हैं। और ये एक सातिर किस्म का अपराधी है, जिसे कई राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी और यूपी के कई प्रदेश, कई जिलों की पुलिस इसे ढूंढ रही थी। ये मास्टरमाइंड चारपहिया वाहन चोर का उत्तर भारत का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है और इसका नेटवर्क लगभग 9 राज्यों में फैला हुआ है। यूपी, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली और हरियाणा। और इसके जो गाड़ियां चोरी होती हैं, उन गाड़ियों को ये जो अपराध करते हैं, उनको मुख्य रूप से बेचा करता है। बिहार में जो गाड़ियां सप्लाई करता था, वो बिहार में शराब तस्करी के काम में आती थी। और भी दूसरे राज्यों में जो गाड़ी सप्लाई होती थी, वो अपराध के कार्य में आती थी। इस अभियुक्त के बाद अब हमारे आगरा के मुकदमे, जो 28 मुकदमे पंजीकृत हैं, उसमें 2 और अभियुक्त शेष हैं और इसमें पूर्व में ही 14 अभियुक्तों को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है और उनकी जांच चल रही है। अब पुलिस जो शेष अभियुक्त है उसको गिरफ्तारी करेगी और इन तीनों की मदद से जो भी गाड़ियाँ होंगी उनको बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। और इन दोनों के सूचना के मुताबिक लगभग इन लोगों ने लगभग 1,000 गाड़ियों की चोरी की है और जब से ये अपराध जगत में है। लेकिन हमारे मुकदमों से संबंधित जितनी गाड़ियां हैं और जो भी इसने रिसेंट टाइम में जो गाड़ियां बेची हैं, जो भी वो बुलंदशहर पुलिस ने शहर